नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल TGT टेक ग्रो ट्विटर में। मैं हूं विनय कुमार। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि YouTube में कस्टम URL कैसे लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं, अगर आप कस्टम URL चाहते हैं YouTube में अपने चैनल का, तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। कम से कम आपको यहाँ पे ये चार एलिजिबिलिटी आपको मिल जाती है। इन चारों का आपको होना जरूरी है आपके YouTube चैनल पर। तो कम से कम 100 सब्सक्राइबर आपको चाहिए अपने चैनल पर। उसके बाद आपका चैनल कम से कम 30 दिन पुराना होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पर आपका प्रोफाइल पिक्चर भी होना चाहिए आपके चैनल पर लगा हुआ। उसके बाद आपका यहाँ पे बैनर इमेज भी लगा हुआ होना चाहिए आपके चैनल पर। तो अगर ये चारों चीज आप कर लेते हैं या फिर होता है आपके चैनल पर, तो आप एक कस्टम URL लगा सकते हैं अपने चैनल का। एक्चुअली इसको लगाने का यह फायदा होता है कि कस्टम URL जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है और बढ़िया ही आसानी से आप इसे याद रख सकते हैं। और अगर किसी को शेयर करते हैं तो ये URL पर ज्यादा ट्रस्ट होगा, यानी कि ट्रस्ट विल जो होगा ज्यादा होगा अपने व्यूअर के साथ इस URL को अगर आप शेयर करते हैं तो। तो चलिए अब यह जो एलिजिबिलिटी है वह मेरा सारा है, हम अपने चैनल पर कस्टम URL लगा सकते हैं। तो चलिए लगाते हैं। उसके लिए मैं अभी ब्राउजर ओपन करूंगा और जाऊंगा क्रोम ब्राउजर पर। यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे क्रोम ब्राउजर ओपन कर लिया। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ यूट्यूब पर, तो youtube.com। तो मैं यहाँ यूट्यूब पर आ चुका हूँ। यहाँ पे आप अपने चैनल पे जाएंगे, योर चैनल, अपना चैनल पे मैं आ चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पे कस्टमाइज चैनल पे जाएंगे, तो यहाँ पे एक दूसरा टैब ओपन हो चुकी है, आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पर आपका YouTube स्टूडियो ओपन हो चुकी है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं चैनल कस्टमाइजेशन ऑप्शन हमें दिखाई दे रही है, या तो आप फिर यहाँ से भी चैनल कस्टमाइजेशन ऑप्शन पे आ सकते हैं। अगर आप दूसरा ऑप्शन लिए हैं, डैशबोर्ड कंटेंट या कहीं भी प्लेलिस्ट लिए हैं, यहाँ से कस्टमाइजेशन ऑप्शन पे आके आप चैनल कस्टमाइजेशन को कर सकते हैं। उसके बाद हमको बेसिक इन्फॉर्मेशन में जाना है और नीचे आपको ये ऑप्शन दिखाई देगी, सेट ए कस्टम URL फॉर योर चैनल। ये ऑप्शन तभी दिखाई देगी जब आप सारे क्राइटेरिया को पूरा करते हैं जो भी एलिजिबिलिटी के लिए चाहिए, तभी ये ऑप्शन मिलेगी, नहीं तो फिर नहीं मिलती है YouTube में ये ऑप्शन। तो चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं अपना YouTube में जो है डिफॉल्ट URL कौन सा है। यहाँ आप एक तरह से यहाँ भी देख सकते हैं कि हमारा डिफॉल्ट URL ये वाला है। और अगर आप चाहते हैं की देखना अपने ब्राउजर में, तो ये देखिए youtube.com चैनल, और यहाँ पे वही चीज आपको दिखाई दे रहा। तो इसी चीज को हम लोग चेंज अभी करने वाले हैं। यहाँ पे अपना मर्जी से URL लगाने वाले हैं चैनल के बाद जो है इस जगह पे। एक्चुअली इसे याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, देख पा रहे हैं आप अल्फाबेटिकल है, और इस पे थोड़ा ट्रस्ट कम होगा दूसरे व्यूअर पर, आप जिसको शेयर करते हैं अपने व्यूअर का ट्रस्ट थोड़ा कम हो जाएगा। तो चलिए अभी हम लोग सेट कर लेते हैं कस्टम URL। मैं आऊंगा चैनल कस्टमाइजेशन टैब पर और यहाँ पे अभी हम लोग सेट करते हैं एक कस्टम URL। तो इस पे मैं क्लिक करूंगा अभी सेट ए कस्टम URL फॉर योर चैनल पर, और जैसे ही क्लिक करूंगा यहाँ पे YouTube जो है हमें खुद से चुनने का ऑप्शन दे रहा है, यानी कि आपका चैनल के नाम के हिसाब से ये ठीक URL है ये आप ले सकते हैं, या तो फिर अपनी मर्जी का बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके और फिर यहाँ पे कुछ नाम के साथ और लेटर या नंबर जो भी है आप लगा सकते हैं। तो मैं अपने नाम के साथ ही जाऊँगा, यानी कि जो है टेक गुरु ट्यूटर जो हमारा नाम है, या इसी के साथ मैं जाना चाहूंगा, या हमारा URL सही लगता है। तो मैं इसको लेकर के पब्लिश पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं पब्लिश करूंगा मेरा URL जो है वो चेंज हो जाएगा। पब्लिश मैं करता हूँ, कन्फर्म मैं करता हूँ, और आप देख पा रहे हैं कि कस्टम URL हमारा सेट हो चुका है। ये आपका चैनल का डिफॉल्ट URL है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, और ये कस्टम URL है। और अगर आप डिलीट करना चाहें तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो अभी मेरा कस्टम URL सेट हो चुका। अब अपने ब्राउजर को मैं रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। आता हूँ यहाँ पे और रिफ्रेश में करता हूँ। मैंने यहाँ रिफ्रेश किया लेकिन नहीं हुआ, तो मैं फिर से एक बार दूसरे टैब में जा करके आता हूँ होम पे। तो मैं दूसरे टैब पर आकर के होम पे जैसे ही आया, तो आप देख पा रहे हैं कि youtube.com/tagguru-tutor इस तरह से मेरा कस्टम URL लग चुका है। तो यह बहुत ही आसानी से आप कस्टम URL सेट कर सकते हैं अपने चैनल के लिए। तो इसे जरूर ही सेट कर लीजिए आप अपने URL के लिए, अगर आपका एलिजिबिलिटी पूरा हो चुका है तो बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही है। आई होप हमारा यह ट्यूटोरियल वीडियो अच्छा लगा होगा कि कस्टम URL कैसे लेते हैं। अगर आपको यह ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।